हेलो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है पीटीई रीडिंग, रीडिंग एंड राइटिंग फिल इन द ब्लैंक्स। तो गाइस, आज का पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। देखो करना क्या होता है, जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि पूरे के पूरे क्वेश्चन को रीड करिए। रीडिंग करने के बाद आपको पता चलेगा, थोड़ा आइडिया मिलेगा कि भाई हमने कैसे सॉल्व करना है, सिचुएशन क्या है, बिफोर ब्लैंक, आफ्टर ब्लैंक, सारा कुछ। ओवर द पास्ट 10 ईयर्स ऑस्ट्रेलियन ओवरसीज डिपार्चर्स हैव डैश फ्रॉम 1.7 मिलियन टू 3.2 मिलियन। अगर आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी है जिसके अंदर मैंने ग्रामर रूल्स को एक्सप्लेन किया था, वो ज़रूर देखना। रीज़न क्या है, कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो ग्रामर बेस्ड होते हैं, नहीं तो आपको पता नहीं चलेगा। उसको चेक कर लेना जिसके अंदर मैंने रीडिंग फिन द ब्लैंक्स को सॉल्व किया था। तो गाइस यहाँ पर देखो, हैव आ गया। हैव के पीछे क्या आता है, हैव के पीछे आता है थर्ड फॉर्म। थर्ड फॉर्म यहाँ पर कौन सी है, यहाँ से चेक करना है, ग्रोन, ग्र्यू, ग्रोज, ग्रोइंग। थर्ड फॉर्म ग्रोइंग नहीं है, ग्रोज भी नहीं है, ये फर्स्ट फॉर्म के पीछे ऐसे लगाया हुआ है, ये सेकंड फॉर्म है। ओनली ग्रोन इज अ थर्ड फॉर्म। आंसर हमारा क्या आएगा, ग्रो। देखिए बड़ी ही आसानी के साथ हमने अपना आंसर को सॉल्व कर लिया। एक फर्स्ट आंसर, जब ग्रामर लगा हो आंसर आपकी आंखों के सामने होता है, ठीक है। दिस पेपर डैश, दिस पेपर, यहां पर हमें जो चाहिए आई एन जी वाला नहीं चाहिए, थर्ड फॉर्म वाला नहीं चाहिए, ठीक है। हमें चाहिए एस या ई एस वाला, क्योंकि यहाँ पर एक सिंगुलर की बात हो रही है, दिस पेपर, ये पेपर। तो अगर सिंगुलर की बात करते हैं तो एस या ई एस वाला लगता है। बिल्कुल आसान तरीके के साथ हमने ढूंढ लिया एनालिसिस। स्टडिंग, इन्वेस्टिगेट, इन्वेस्टिगेशन सिंपल वर्ड है, एग्जामिनेशन नहीं। दिस पेपर एग्जामिनेशन, दिस पेपर एग्जामिन्स, एनालिसिस पूरी रीड करिए। तो ऐसे या ई एस चाहिए, सिंगुलर की बात हो रही है। द मॉडल्स आर डैश, आर के बाद क्या लगता है, आर के बाद मैंने बताया था पिछली वीडियो में थर्ड फॉर्म या आई एन जी लगता है। आर के बाद थर्ड फॉर्म तब लगता है जब किसी के द्वारा काम किया जाता है। अब यहां पर देखिए, द मॉडल्स आर डैश इन टर्म्स ऑफ ए डबल लाइनर। पहले हम चेक करेंगे फर्स्ट कंडीशन की थर्ड फॉर्म है या आई एन जी है। अगर दोनों होगी फिर हम अपना दूसरा लॉजिक लगाएंगे, किसी के द्वारा अगर काम किया जाए तब हम थर्ड फॉर्म लगाएंगे। अब इस केस में देखिए, इंडिविजुअल्स, इंडिविजुअल्स स्पेसिफिकली, स्पेसिफाइड, प्रिसीजन। आप बताइए क्या आंसर आएगा, थर्ड फॉर्म कौन सी है। थर्ड फॉर्म हमारी आ गई स्पेसिफाइड। ओके, ग्रामर रूल्स का होना बहुत ज़रूरी है गाइस। अगर वीडियो नहीं देखी है तो मैं कहता हूँ पहले वीडियो ज़रूर देखना, फिर उसके बाद आपको पता लगेगा कि इसका आंसर क्या आया। ओके, इवन नेक्स्ट क्या आएगा, इनकम प्राइसेस ऑफ ट्रेवल एंड अकोमोडेशन इन ऑस्ट्रेलिया एंड ओवरसीज एंड द एक्सचेंज रेट एज इंडिपेंडेंट डैश। इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट नहीं, इंडिपेंडेंट इवन नहीं, एरेटिक का मुझे मतलब नहीं पता, वेरिएबल्स का तो पता है ना। तो क्या वेरिएबल्स यहाँ पर जचता है, आंसर है यस। आंसर क्या आएगा, वेरिएबल्स। फर्स्ट में आया ग्रोन, सेकंड में एनालिसिस, थर्ड में स्पेसिफाइड और फोर्थ में वेरिएबल्स। कितने आसान तरीके के साथ हमने किया। आप सोचते हो कि सर आप बड़े इजी वे के साथ कर रहे हो, आप भी सॉल्व कर सकते हो गाइस, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट के बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है। ओके, एक ये क्वेश्चन करते हैं बहुत अच्छे तरीके के साथ, ग्रामर बेस्ड क्वेश्चन। कंपेयरिंग द इंटेलिजेंस ऑफ एनिमल्स ऑफ डिफरेंट स्पीशीज इज डिफिकल्ट, हाउ डू यू कंपेयर ए डॉल्फिन एंड ए हॉर्स। साइकोलॉजिस्ट्स हैव अ टेक्निक फॉर लुकिंग एट इंटेलिजेंस दैट डैश नॉट रिक्वायर्ड, ठीक है ना। अब यहां पर बात की गई है डज, डिड, डन, डूइंग। डन कहां आता है, थर्ड फॉर्म है, ये नहीं आएगा। डूइंग कब आता है, इज, आर, एम, वाज, वर, हो,
या बीन हो नहीं आएगा तो ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा। अब बचा डू आए, डज आएगा कि डिड आएगा। यहाँ पर क्या बात हो रही है, हैव की बात हो रही है। हैव क्या है, हैव हमारा होता है प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस में क्या आता है, डू आता है, डज आता है। डू हमारे पास पड़ा हुआ है, एक तो इसका ये लॉजिक लग गया, ठीक है। The relative size of an individual's brain is a reasonable indication of intelligence. Dash compared dash species. मैं एक बता देता हूँ आपको, कोलोकेशन है। जब भी स्पीशीज की बात हो और ऊपर से अक्रॉस दिया हो आंसर, वो आएगा 99.99%। कुछ कोलोकेशन भी आपको याद करने पड़ सकते हैं। देखो पूरा तो कोई याद नहीं कर सकता है, लेकिन फिर भी, फिर हम आगे गए। डैश वी यूज द सिविलाइजेशन इंडेक्स डैश, और यहाँ पर कोमा लगाया हुआ है, यहाँ पर एक कनेक्टर आएगा। कौन कौन सा कनेक्टर है, सब्स्टिट्यूट ना, रिप्लेसमेंट ना, अल्टरनेटिव ना, इंस्टेड। यस आंसर आएगा इंस्टेड, ये सारे गलत हो गए। सब्स्टिट्यूट आपने कभी भी कनेक्टर नहीं सुना होगा, इंस्टेड अल्टरनेटिवली सुना हुआ है, रिप्लेसमेंट ना, कोई है ही नहीं, बनता ही नहीं है। जिसने प्रैक्टिस की होगी उसी को पता होगा, अदरवाइज नहीं पता होगा। अब ये क्वेश्चन करते हैं। अब एक और ट्रिक आपको बताने वाला हूं, पूरे क्वेश्चन को रीड करने का बेनिफिट क्या है, क्वेश्चन को रीड करने का बेनिफिट क्या है, अभी आपको बताता हूं। फिंगरप्रिंट्स रेफर टू एज डैश इन फॉरेंसिक, फॉरेंसिक्स आर फॉर्म्ड व्हेन रेसिड्यू फ्रॉम द रिस्ट स्किन ऑफ द फिंगर ऑफ पाम्स इज डैश ऑन टू अ सर्फेस Leaving behind an impression, finger marks are often made of sweat and colorless dash material such as, देखो examples दी हुई हैं, these finger marks are described as, अब देखो fingerprints दिया हुआ है, यहाँ पर finger mark आएगा कि finger marks आएगा, imprinting और handprints तो नहीं आएगा, finger marks आएगा क्योंकि इसका answer जो है question के अंदर ही दिया हुआ है, यहाँ पर finger marks दिया हुआ है। एक बार याद रख लेना guys, अगर कोई word, कोई word ऑप्शन में ऑलरेडी दिया हो, ठीक है, और वो ऑप्शन में भी हो, उसके चांसेस वो हाई होते हैं कि वो क्वेश्चन जो है उस, वो जो ऑप्शन है वो राइट हो। अब यहाँ पर देखो फिंगर मार्क भी हैं, लोग जल्दबाजी में फिंगर मार्क लगा देंगे, वो गलत हो जाएगा। फिर देखिए तब द फिंगर और पाम्स इज डैश ऑन टू अ सर्फेस, जब आप किसी चीज़ को टच करते हो, मैंने इसको टच किया, कैमरे को टच कर दिया, मेरे फिंगर मार्क्स जो हैं वो क्या हो गए, फिंगर शिफ्ट हो गए, एक जगह से दूसरी जगह पर शिफ्ट हो गए, ना रीलोकेटेड हो गए, मतलब ना ट्रांसपोर्टेड, नो ट्रांसपोर्टेड, नो ट्रांसफर्ड हो गए। देखो चारों का मतलब एक जैसा ही है, समझने की बात है। शिफ्ट, शिफ्ट की बात करें, जैसे कि मैंने घर शिफ्ट करना है, एक जगह से दूसरी जगह के ऊपर चले जाना, उसको हम कहते हैं शिफ्टेड, मतलब सामान पड़ा हुआ है उस जगह से खाली होकर वो चला गया। अब इसकी बात करें, फिंगरप्रिंट की बात करें, ट्रांसफर, मेरे फिंगरप्रिंट तो मेरे पास हैं, मैं जितने चाहे मर्जी लगा सकता हूँ, मेरे फिंगरप्रिंट्स कम नहीं होंगे, ट्रांसफर हो रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो रहे हैं, मेरे पास डेटा है, तो मेरे पास भी डेटा है, मैं और वैसे भी ट्रांसफर कर रहा हूँ। रीलोकेट का मतलब होता है दोबारा वहीं पर चले जाना, ट्रांसपोर्टेड का मतलब होता है छोड़ देना, नहीं ट्रांसफर। फिर आ गया हमारे पास स्वेट एंड कलर है, डैश मटेरियल सच एज सोप, मॉइस्चराइजर एंड ग्रीस। अब ये एग्जांपल्स दी हुई हैं, अब एग्जांपल्स किसके साथ रिलेटेड हैं, ये चीज़ें किसके साथ रिलेटेड लग रही हैं, सोप ग्रीस एंड प्यूरीफाई ना, सोप मॉइस्चराइजर ग्रीस प्यूरीफाई होता ही नहीं, उसके अंदर तो केमिकल डलते हैं, पल्यूटिंग, अगर पल्यूटिंग होता तो हम यूज़ ही नहीं करते, टेंटेड का मुझे नहीं पता, और बचा गया हमारे पास कंटेमिनेटिंग। कंटेमिनेटिंग क्या होता है, ये गर्ल्स को पता होगा ज़्यादातर, कंटेमिनेटिंग मटेरियल ही तो है ये, अगर नहीं पता लगता है ना सर्च किया करो, कंटेमिनेटिंग ये लो, कंटेमिनेशन, कंटेमिनेशन, कंटेमिनेटिंग मतलब द एक्चुअल स्टेट मेकिंग और बीइंग इम्प्योर बाय पोल्यूटिंग और पॉइजन, उसी तरह आप सर्च करो आंसर क्या आएगा हमारा, कंटेमिनेटिंग। लास्ट क्या आएगा, विच मीन्स दैट दैट क्राइम सीन कैन बी चैलेंजिंग, अब क्राइम सीन की बात हो रही है, आंसर क्या आएगा हमारे पास, प्लेसिंग ना, पुटिंग ना, सेटिंग ना, तो बचा के हमारे पास लोकेटिंग। पूरे सिचुएशन को चेक करिए, ऊपर जो आपने ब्लैंक्स ऐड किए हैं वो भी मायने रखते हैं, उन वर्ड्स की रिलेटेड के कैटेगरी को चूज करिए। एक और क्वेश्चन करते हैं जो आपकी आंखों के सामने है, पूरा क्वेश्चन रीड करिए। नॉट ओनली डज द यूज ऑफ डैश
have benefits. Have benefits for our mental health and minds, but there has also been growing evidence supporting the use of mindfulness. The use of mindfulness. The use of dash. अगर mindfulness होगा तो answer direct attention, awareness, mindfulness. Yes, answer आ गया हमारा mindfulness. For improved immune system functioning and better physical health. Research has shown that even dash weeks of mindfulness practice करने के बाद का answer क्या आएगा after. Mindfulness practice can also help you manage pain more dash with the aid of painkillers. मतलब इसका positive side यहाँ है, positive बता रहा है, तो क्या आएगा? Famously ना vastly होता है number of things, नहीं आएगा successively ना, तो बचा क्या हमारे पास? एक ही चीज, effectively. Answer आएगा हमारा effectively. तो गाइस इस तरीके के साथ आप कोशिश करिए, ट्राई करिए, मैंने रूल्स एंड रेगुलेशंस बताए हैं, आप उसको चेक करिए. इन शॉर्ट पूरा क्वेश्चन रीड करिए, रीड करने के बाद आपको पता चलेगा कि इसमें सिचुएशन क्या हो रही है, उसके अकॉर्डिंग आप इसको फोकस करिए. लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो. कोचिंग लेने के लिए सामने दिए गए नंबर के ऊपर कॉल करो. अगर आपको मेरे पढ़ाने का अच्छा तरीका लग रहा है, तो आप अगर स्ट्रगल कर रहे हैं तो आप हमारे को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं. हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी तीनों लैंग्वेजेस में हम कोचिंग प्रोवाइड करते हैं. सामने दिए गए नंबर के ऊपर कॉल कर लीजिए. बार बार टाइम और पैसा वेस्ट ना करिए. बेस्ट ऑफ लक.